हाय एवरीवन, मैं प्रिंस इस कम्पिटिटिव कोडिंग की वीडियो सीरीज में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे काफ़ी फेमस एल्गोरिथम के ऊपर जिसका नाम है सीव ऑफ इराटोस्थीन्स। नाम से कितना पेचीदा लग रहा है बट है बहुत ही आसान, ठीक है। सीव ऑफ इराटोस्थीन इज जस्ट लाइक इट इज़ एन एल्गोरिथम कहिए या इसे मैथड कहिए, ठीक है, जो कि हम लोग को प्राइम नंबर्स फाइंड करने में मदद करता है। अगर हम लोग एक नंबर एन मानते हैं एन, तो वन से लेके एन तक कितने प्राइम नंबर्स है उसको हम लोग इजिली प्रिंट करवा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी कि जो प्राइम नंबर प्रिंट करने का तरीका था वो बड़े नंबर्स के लिए फेल कर जाएगा या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। फेल नहीं करेगा, असल में वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लेगा, फैक्ट तो ये है, और उतना टाइम हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान दिया नहीं जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मेथड है, ये एक प्रॉपर लाइन बाय लाइन तरीका है जिसे हम लोग फॉलो करके काफ़ी कम समय में हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाता है वो अंडर स्क्वायर रूट एन जाता है, ठीक है। अब ये सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस सिंपली समझ लीजिए कि इसका टाइम कम लगता है, ठीक है, और ये काफ़ी इफिशियंट वे है। अब इसके हम अगर एल्गोरिथम्स की बात करें तो, और इस पर सबसे बड़ा चीज़ हम 10 मिलियंस तक के प्राइम, अगर हम लोग एन का वैल्यू 10 मिलियन लेते हैं, 1 करोड़ लेते हैं, तो 1 करोड़ वन से लेके 1 करोड़ तक के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कल जो तरीका बताया था, अगर जो लोग अपने लैपटॉप में उसे ट्राई कर रहे होंगे 1 करोड़ वैल्यू के लिए, तो आप देखिएगा वो काफ़ी टाइम टेकन हो रहा होगा या फिर हो भी सकता है बहुत से कंपाइलर में एरर ही बता दें, बट अल्टीमेटली ये टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो हम लोग इसी का एक अच्छा, सबसे बेस्ट और इफिशियंट एल्गोरिथम ढूंढे हैं, सीव ऑफ इराटोस्थीन, जो कि हमें बताता है कि हम लोग प्राइम नंबर कैसे निकाल सकते हैं अप टू नंबर एन। अब ये रहा इसका एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम देखिए कुछ समझ में नहीं आने वाला है, हम लोग सीधा इसके फंक्शन पे जाते हैं और फिर उससे एल्गोरिथम जनरेट्स करते हैं। मैं एज ए फ्रेंड, मैं टीचर कम फ्रेंड ज़्यादा, ठीक है, एज ए फ्रेंड मैं आपको चीज़ सजेस्ट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझी नहीं जाती है, रट लिया जाता है। इट डजेंट मीन और सबसे क्या ऐसा रटा हुआ चीज़ काम नहीं आता, नहीं मैं ये नहीं मानता। रटना इन देंस कि प्रोसेस ऐसा नहीं होता है ना अब कि प्रोसेस समझ में आए आपको, काम जो हो रहा है वो तो जरूर समझ में आएगा, बट प्रोसेस ऐसा क्यों कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ समझ में आए, बट यूज़ काफ़ी होती है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वी क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स 2 से 50, हम लोग को 50 तक के बीच में, मतलब कि 1 से लेकर 50 तक जितने प्राइम नंबर्स है हम लोग उतना प्राइम नंबर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है इसलिए हम लोग 1 लेंगे ही नहीं, तो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे 50 तक का, आपके सामने है, ठीक है, लिस्ट बन चुका है। नाउ अब हम लोग लूप लगाएंगे। लूप कैसे होगा, p बराबर 2 से p इंटू पी लेस देन बराबर n p प्लस प्लस। तो पहला जो है p का वैल्यू क्या जाएगा, 2। अब सर बोले सर p इंटू p लेस देन n क्यों किए, तो यही तो मैथड्स है ना, डेट इज एल्गोरिथम जो हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। p बराबर 2 लिए, मैं एल्गोरिथम समझा रहा कैसे वर्क कर रहा है। अब फिर पैसे p बराबर 2 लिए, फिर हम लोग उसके अंदर लूप में घुसेंगे, और फिर दूसरा लूप क्या है नीचे देखिए, i बराबर p इंटू पी कॉमा सेमी कॉलन i लेस देन बराबर n, और फिर i बराबर i प्लस पी, फिर i को i प्लस पी से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बताता हूँ, अब p बराबर 2 आया पहला, क्योंकि p बराबर 2 है, तो 2 के केस में i का वैल्यू नीचे क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है, और 4 जो है छोटा है 50 से, n का वैल्यू 50 है तो छोटा है, तो 2 को हम लोग पेंट कर देंगे, सॉरी 4 को हम लोग पेंट कर देंगे रेड कलर से, ठीक है। नाउ अब जो है फिर i का वैल्यू 6 होगा, क्यों, क्योंकि 4 प्लस 2, i का वैल्यू अगला क्या बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, 4 प्लस 2 6 होगा, 6 भी छोटा है n से, तो 50 से, तो 6 भी पेंट कर देंगे। उसी तरह करते करते फिर 8 होगा, 6 प्लस 2 8, फिर 50 करते करते 50 तक पेंट हो गया। नाउ अब हम लोगेंगे p बराबर 3, अब 3 के कंडीशन चेक करते हैं, 3 इंटू 3 क्या होता है, 9, जो कि 50 से छोटा है एग्जैक्टली, तो फिर अंदर आएगा, अंदर और लूप चलेगा, अंदर लूप क्या चलेगा, फॉर i बराबर p इंटू पी, इट मीन्स कि 9, i बराबर 9, 9 छोटा है 50 से, 9 को पेंट करेंगे, ये देखिए 9 पेंट हुआ हुआ है, फिर i बराबर i प्लस पी, फिर p से बढ़ेगा, तो 9 प्लस 3 12, फिर देखिए 12 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 21 हो गया, ठीक है। नाउ अब फिर p बराबर 4 के लिए हम लोग करेंगे, 4 इंटू 4 कैसा होगा, 16 एग्जैक्टली, और फिर i बराबर 16 हो जाएगा, बिकॉज फिर हम लोग अंदर लूप में जैसे घुसेंगे तो i बराबर p इंटू पी, p इंटू पी क्या होगा, 4 इंटू 4 16, 16 छोटा है 50 से एग्जैक्टली, तो फिर 16 को पेंट करेंगे, फिर 16 प्लस 4 करेंगे बिकॉज i का वैल्यू ऐसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर 20, फिर 24, ऐसे करते करते हमारा i भी कम्प्लीट, मतलब कि 4 कम्प्लीट हो जाएगा,
फिर 5 तक चलेगा, 6 तक चलेगा, 7 तक चलेगा। 7 तक क्यों चलेगा लूप, 8 तक क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज 7 7 जो 49 होता है और 49 50 छोटा है, बट p बराबर 8 के लिए चल जाएगा तो 8 8 64 होता है, जो कि 64 बड़ा हो गया 50 से, तो लूप ब्रेक कर जाएगा। p बराबर 7 में क्या होगा, 7 नीचे आएगा तो i बराबर 7 इंटू 7 49, 49 छोटा होता है किससे, 50 से, तो 50 प्रिंट कर देंगे हम लोग। और फिर i बराबर i प्लस p करेंगे तो 49 प्लस 7, तो 49 प्लस 7 कितना होता है, 56। 56 तो रेंज से बाहर हो गया तो फिर गलत हो गया। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि पहले हम लोग एक एरे बनाएंगे जहाँ तक हम लोग को प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। अल्टीमेटली मैं बताऊँ, एक मिनट सॉरी मैं बता रहा हूँ, देखिए लूप कैसे काम किया। 2 के केस में पहले 2 का टेबल चला गया, 2 तो प्राइम नंबर होता है, 2 हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया, फिर 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, देखिए 2 का इंक्रीमेंट होता गया, ठीक है। नाउ 3 के केस में, 3 केस में क्या हुआ, 3 से फिर 6 पे गए, 6 9 12 15 18, ठीक है। नाउ 4 के केस में क्या हुआ, 4 तो होता है तो 4 के साथ फिर, और 4 पहले आ चुका था हमारे साथ 2 के साथ, देखिए 4 जो है पहले आ चुका था 2 के साथ, तो 4 का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 8 से, तो 8 12 सॉरी 4 का स्टार्टिंग होगा 16 से, तो 16 फिर 16 प्लस 4 20 फिर 24, इस तरह से जो होते गया उसको फॉल्स कर दिया जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास जो बचा वो बचा ट्रू वैल्यू, ठीक है। इट मीन्स कि 2 3 5 7 11 13, ये सारा क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ तक क्लियर? इट मीन्स कि हम लोग का पहला फेज क्या होना चाहिए, पहले हम एरे बनाएंगे जहाँ तक निकालना है हम लोग को प्राइम नंबर्स, उस एरे बनाने के बाद हम लोग पहला लूप चलाएंगे पी बराबर 2 से पी इंटू पी लेसन बराबर एन पी प्लस प्लस। नाउ फिर उसके अंदर लूप चलेगा आई बराबर पी इंटू पी आई लेस देन बराबर एन आई बराबर आई प्लस पी। ये तो पूरा एल्गोरिथम हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका कोड करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा दोस्तों कि आप बताइए बुलियन वैल्यू से आप लोग क्या समझते हैं। इट मीन्स कि बुलियन वैल्यू या फिर जीरो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर बुलियन वैल्यू फॉल्स है इट मीन्स कि क्या, उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगा, सोचिए जीरो। ट्रू है तो उसका अंदर वैल्यू क्या जाएगा, वन। ये गलत है। ट्रू है इट मीन्स कि वैल्यू वन नहीं जाएगा, इट मीन्स कि वैल्यू कुछ भी नॉन जीरो हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर से सुनिए। ट्रू है इट डजंट मीन्स कि वैल्यू वन होगा, इट मीन्स कि कुछ भी वो नॉन जीरो हो सकता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता दिमाग में, इसको प्लीज़ इस चीज़ का मैं यूज़ करवाऊंगा तो आपको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बुलियन वैल्यू अगर वैल्यू फॉल्स है इट मीन्स कि उसका वैल्यू जीरो, ये तो फाइनल है, बट बुलियन वैल्यू का वैल्यू अगर ट्रू है इट डजंट मीन कि वैल्यू वन है, इट मीन्स कि वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है। दैट्स इट गाइस, आई होप। अब अल्टीमेटली प्राइम नंबर हमारे पास क्या बचा, जो मैंने लास्ट में डिस्प्ले कर दिया 50, जो हमारे पास पेंट नहीं हुआ रेड कलर से, जो बच गया वो हमारे पास बच गया प्राइम नंबर। आप लोग इसका कोड खुद से ट्राई कीजिएगा, इट्स योर टास्क टुडे। टास्क इज आपका इसका, आप लोग इसका खुद कोड खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं होमवर्क में यही लिखने वाला हूँ, ट्राई कोड योर सेल्फ, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका कोड देखते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर जरूर अटेंड कीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सॉरी चैनल क्या लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।